आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का एक सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे, और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन उनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती है। और एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है, और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधुओं के जो रहे नहीं होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।